फरीदाबाद के सारण थाने में ये माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। 13 अप्रैल को उसकी बेटी की लाश यहाँ अचीवर विला के एक मकान में मिली थी। मकान मालिक ने एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए उसे काम पर रखा था। उसने आत्महत्या कर ली थी। जैसे ही मौके पहुंचे उसका शव तरफ और उसको अपने कब्जे में लेके हॉस्पिटल में रखवा दिया। तब तक उसके परिजनों के बारे में पता नहीं था। जो मकान मालिक है जिसने उसको रखा हुआ था वो किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू उसको लेके आया था। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली इस महिला का कहना है कि उसकी बेटी को बिना उसकी जानकारी के पश्चिम बंगाल से फरीदाबाद लाया गया था। उसने आशंका जताई है कि उसकी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। मेरा शक है, मेरा बेटी फांसी मार के मैं नहीं मर सकता है। मेरा बेटी ऐसे शक लग रहा है मेरे को, किसी ने मारा ना तो कुछ किया है इसलिए मारा है। महिला ने मकान मालिक और प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तहकीकात कर रही पुलिस ने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फरीदाबाद से न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ऋषि शर्मा की रिपोर्ट।